ब्रह्मचारी सुब्रत जी पतंजलि योगपीठ से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रभु की कृपा से इतना पता चल गया है कि भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है। मैं इस मार्ग पर चलने का प्रयत्न भी कर रहा हूँ। महाराज जी, शास्त्र सद्गुरुदेव के वाणियों को हम जीवन में पूरी तरह से कैसे पालन कर सकते हैं? एक विरक्त साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? उसे किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? बात यह बच्चा कि जहां से गुरुदेव से जुड़ा जाता है, दिनचर्या वहां से बनवाई जाती है, क्योंकि हमारी दिनचर्या हमारे अनुगामी जन ही पालन कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई दिनचर्या बताएं, आपके गुरुदेव उसको काट दें। रामदेव जी वही योग गुरु, जो योग का, तो फिर उनसे दिनचर्या बनानी चाहिए, क्योंकि दिनचर्या का बहुत बड़ा महत्व होता है और गुरु के द्वारा बनाई दिनचर्या हमारे जीवन में सिद्धि प्राप्त कराती, भगवत सिद्धि, भगवत साक्षात्कार। गुरु के वाक्य ही ब्रह्म वाक्य माने जाते हैं। अब हम आपको दिनचर्या बताएं और आपके गुरुदेव उसका विरोध कर दें, काट दें, क्योंकि वो और क्या पूछा है जी? विरक्तों को किन किन बातों का विशेष ध्यान देना? हाँ, विरक्तों को सबसे पहला ध्यान देना चाहिए वीतराग। विरक्त को क्या कहते हैं? वीतराग। वीतराग माने जिसका राग नष्ट हो चुका है, न शरीर से राग, न भोगों से राग, न किसी पद से राग। प्रायः वीतराग हम कहलाकर किसी न किसी पद से राग करते, वैभव से राग करते हैं, भोग से राग करते हैं और कहलाते हैं वीतराग। जिस बुद्धि का दृष्टा मन बुद्धि को परमात्मा में निरंतर लगाने वाला, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, तो निवश्य मय्येव अत ऊर्ध्वम् न संशया। यदि तू अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगा देगा तो तू मेरे में निवास करेगा। सच्चा वीतराग भगवान में निरंतर स्थित रहता है, भगवदाकार वृत्ति रखता है। भगवदाकार वृत्ति के लिए निरंतर अभ्यास गुरु मंत्र का। गुरु मंत्र मिला है, जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, उसका निरंतर अभ्यास हर स्थिति में, चाहे वो सुखद परिस्थिति हो चाहे दुखद परिस्थिति हो, अपने आराध्य देव का विस्मरण ना हो, ये मुख्य साधन। सहायक सहातक इतना है कि एकांत वास करने वाले समाज से दूर रहकर भी हम समाज की गंदगी को देख सकते हैं और अपने मन में बसा सकते हैं। तो नए, जैसे आपकी नई अवस्था है तो आपके पास मोबाइल है, टच वाला मोबाइल है। अब इससे बचने की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर आपको मोबाइल रखना है तो आपको इतनी हिम्मत रखनी कि आप उसमें कुछ गलत संसार का ना देखें। पर वैसे हमें लगता है कि अगर ना रखा जाए तो ज्यादा सुविधा रहेगी। सुनने के और यंत्र होते हैं, जैसे 300-300 घंटे के प्रवचन की चिपें आती, लगा लो आप उनको सुनो। लेकिन टच वाले मोबाइल में क्या कि कुछ भी में आप मन का मन की चलो, कभी मन होता है संसारिकता में उतर जाता है। हमको सत्संग की जरूरत होती है। अगर हमारे पास मोबाइल है, कुसंग है, तो हो सकता है हम सर्च कर लें, हो सकता है हमारा गलत चिंतन चला जाए, फिर बचना मुश्किल है। जो हम दृश्य देखते हैं वही हमारा मनन होता है, जो मनन होता है वही क्रिया में उतर जाता है। एक मछली के मैथुन को देखकर सौभरी ऋषि ने 50 ब्याह किए, एक पुरुष और स्त्री के मैथुन युक्त क्रिया को देखकर अजामिल व्यभिचारी बन गया, वैश्यागामी बन गया। और हम मोबाइल में बहुत से ऐसे अगर दृश्य देखेंगे तो हमारी दुर्दशा क्या होगी? को गंदगी से भर देगा और तुम्हारा हृदय गंदगी, तो दुर्गति रुकेगी नहीं। तो हमें लगता है बच्चा मोबाइल को थोड़ा सा संयम में देखो, जैसा अभ्यास किया जाए वैसा हो जाता है। जैसे जीवन में नहीं रखा तो जीवन में नहीं, हमें चलाना ही नहीं आता, हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप लोग सेवाएं कर रहे हो तो आप लोग उनको रखो, पर संभाल के ऐसी कोई गलती ना करो जो तुम्हारे जीवन को खा जाए। आ सकती है, आ सकती, ये जा नहीं सकती, बहुत कठोर है। किसी भी विषय की आ सकती है, आप लोग देख लीजिए कि आ सकती आ गई, अब जाना मोबाइल 35 वर्ष बोते बहुत हुए। इसके पहले क्या जीना नहीं था क्या? लोगों का क्या व्यवहार नहीं था क्या? व्यापार नहीं था क्या? व्यवस्थाएं नहीं थी क्या? आज इतने अधीन हो गए कि ऐसा लगता है मोबाइल नहीं तो जीवन नहीं, क्यों ऐसा लगता है ना? तो हमें लगता है कि चलो व्यापार और संसार में, लेकिन साधुता के मार्ग में तो इससे बहुत बचने की जरूरत है। अच्छा, किससे बात करना है जब हम वीतराग हैं? क्यों बच्चा, किससे बात करोगे? वो जो सेवा दिया गया है तो इसलिए मोबाइल चलाते हैं। अच्छा, सेवा का तो हमें लगता है कि फिर गुरु कृपा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जिन जिन को जो सेवाएं दी जाती हैं फिर उसमें बहुत प्रवीण किया जाता है। तो आप देखते हैं, सुनते हैं, उसका मनन होता है तो चाह हो जाती है कि हम भी वो खाएं, पिएं, देखें, सुनें, भोगें। बस ये चाह साधु को नष्ट कर देती है या भगवत मार्ग के पथिक को नष्ट कर देती है। तो प्रगट में कुसंग का त्याग
और अंदर की वृत्ति के कुसंग का त्याग, हर समय भगवदाकार वृत्ति करना और हो सके तो भिक्षान्न से शरीर निर्वाह करना। ये हाँ, भिक्षान्न अगर पाओ तो इस अवस्था में आप संयम में रह सकते हो, क्योंकि गालियां मिली भिक्षा में कभी? हाँ, ये प्रसाद होता है जब, हाँ, इससे देहाभिमान गलित होता है, देहाभिमान नाश होता है। तो हमें लगता है कि 5 घरों में भिक्षान्न करे और संयम से रहे और प्राणायाम और आसनों का अभ्यास करे, जिससे ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होता है। बिना प्राणायाम के, बिना सिद्धासन और पद्मासन में 3 घंटा बैठे, वो ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, अखंड ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। तो साधन मार्ग में लगे हो तो पवित्र भिक्षान्न, भिक्षान्नम औषधम, औषधि की तरह अन्न का सेवन करे और बहुत शरीर को थकाए, चाहे आसनों के द्वारा, परिक्रमा के द्वारा, सेवा के द्वारा। ब्रह्मचारी को विश्राम नहीं, शरीर इतना शिथिल हो जाना चाहिए कि जब सैया पे पड़े तो तुरंत निद्रा में चला जाए, नहीं तो उपद्रव हो जाएगा। मना शक्ति बड़ी प्रबल है, वो संकल्प विकल्प करके उपद्रव कर दे। कितनी अवस्था है आपकी शरीर की? 24। इस समय जब 26 की अवस्था थी, उस समय तो तूफान वैराग्य का चढ़ा हुआ था, किसी से मिलना नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, आकाश वृत्ति से जो भोजन आ जाए, कई कई दिन भूखे रहना, कष्टप्रद जीवन, भीषण सर्दी में भी कोई कंबल नहीं, कोई स्वेटर नहीं, आने जाने वाले विकारों को सहे, इनकी कोई सत्ता नहीं है। यम ही न व्यथिन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृ तत्वाय कल्पते, ये श्लोक मानो हमारे गुरु के रूप में रहे सामने हमारे, जहां कहीं विचलित होते फौरन भगवान के वचन याद आते, सावधान अपने मार्ग में चल। तो ये तो बहुत भूंज देने वाली अवस्था है, अपने आप को मिटा दे तो प्रकाशित हो जाता है, फिर भगवत स्वरूप हो जाता है। और प्रचार प्रसार इस अवस्था में बच्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी आपकी अवस्था प्रचार की नहीं है, अभी अवस्था है अपने आप को मिटा देने की। परिवर्तन तब पड़ता है जब हम अपने अंदर प्रसार कर लेते हैं, फिर उसका प्रचार करते हैं। प्रसार प्रचार अब यहां उल्टा होता है कि प्रचार ही प्रचार, प्रसार अपने में ना कर पाए। अब ये साधना का समय है, 10-5 वर्ष तो एकदम एकांत हो जाना चाहिए, किसी से नहीं मिलना हो, किसी से 20 वर्ष लगभग किसी ने जाना नहीं कि हम जिए हैं कि मरे, कभी नहीं, कोई संबंधी, कोई एक बार जन्मभूमि से निकले, दोबारा कभी जिंदगी में जन्मभूमि का मुख नहीं देखा, इतनी आयु ले जा रही है। ये मार्ग कट्टरता का है कि अपने प्रति कट्टर, दूसरों के प्रति मृदु, अपने प्रति कठोर शासन का। और संसार का नियम है वो अपने प्रति क्षमा करता है और दूसरों पर कठोर शासन, और परमार्थ का नियम है अपने प्रति कठोर शासन और दूसरों पर क्षमा दया। अगर सच्चा मार्ग ग्रहण करना है तो बच्चा, हमें यही लगता है कि ऐसा ही, ये नई अवस्था में हमें लगता है कि मतलब ज्यादा गुरुजनों की सुविधा में पोषण होने पर फिर सिद्धि प्राप्त नहीं, भगवत प्राप्ति बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि एक घर से आए दूसरी सुविधा में तो अब उसने तो तितिक्षा की नहीं, कष्ट सहा ही नहीं, तो कैसे जान पाएगा। तो आपसे प्रार्थना है कि कुछ समय के लिए गुरुदेव से आदेश लीजिए। तो हमें लगता है सच्चे गुरुदेव के प्रचारक तब बनोगे जब पहले योग्यता आ जाए अपने अंदर। कितनी देर आसन में बैठ पाते हो आप? 2-3 घंटे। हाँ, बढ़िया, खूब पद्मासन। आजीवन जिस शरीर के प्रतिकूल आकर्षण में हमारी वृत्ति जाती, अपने को कमजोर मानकर दूर रहिए। जब माता बहनों में भगवत भाव आ जाए, ये जैसे हम अपनी माँ के पास कैसे रहते हैं, माँ हमें गले से लगाए तो हमें कहीं दोष भाव आएगा, छोटी बहन, बराबर की बहन, तब हमारा बिल्कुल असली भाव आ जाए, नाटक नहीं, असली भाव आ जाए कि ये साक्षात माँ है हमारी और ये बहन है, ये हमारी बेटी की तरह है, तो बात फिर अलग हो जाती, नहीं तो हम माँ बहन बेटी कहेंगे और उनमें हम गलत भाव कर लेंगे। तब तक हमको दूरी बना के रखना चाहिए जब तक हमारे भाव ठीक ना हो जाए। उन प्रारंभ में ही प्रचार आदि में लग जाते हैं तो भगवान रक्षा करे उनकी, लेकिन हमें तो लगता है कि बड़ी मतलब मुश्किल है, क्योंकि जब काम विजयी नहीं हुए, क्रोध विजयी नहीं हुए, तो जब हम प्रचार करते हैं तो ये सब सुविधाएं मिलती है, खान पान, किसी के घरों में रहना, उनके परिवार के बीच में रहना, तो फिर मुश्किल हो जाता है। मुझे तो लगता है कि अगर वैराग्य ले तो एक बार पहले इन पर विजय प्राप्त करे, काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी होकर फिर भगवान अगर ये सेवा दें प्रचार की तो करना चाहिए, पर पहले अपने को अंकुश में, पहले अपने को जान ले, अपने को संभाल ले, तब इस मार्ग में। क्यों बच्चा? हाँ, ऐसे